हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे मसाला भिंडी। ये भिंडी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी ये भिंडी बनके तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भिंडी ली हुई है। कुछ भिंडियाँ मैंने पहले से ही काट कर रख ली हुई हैं और कुछ मैं आप लोगों को काट के दिखा रही हूँ। इस तरह से बीच से फाड़ना है, जो आगे का पार्ट होता है, आगे पीछे का दोनों का हटा देना है। फिर इस तरह से बीच से फाड़ कर फिर एक भिंडी के चार टुकड़े करके फिर बीच से कर देना है। इस तरह से ये पार्ट हटा देंगे हम, आगे का जो होता है, आगे पीछे का। इसी तरह से मैंने सारी भिंडी काट ली हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। आप कोई भी ऑयल, जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो वो यूज कर सकते हो। और 8-10 कली लहसुन की मैंने डाल दी हैं और यहाँ पर लहसुन भी हमारा हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। प्याज और लहसुन आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी है जो कि लाल हो चुकी हैं। लाल मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो। यहाँ पर मैंने कटी हुई भिंडी डाल दी है और अब नमक डाल देंगे। नमक आप जितना खाना पसंद करते हो उतना डाल सकते हो। नमक को भिंडियों में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको चलाकर लगभग 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। उसके बाद में खोल के चेक करेंगे भिंडियाँ हमारी पकी हैं कि नहीं। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं लगभग और मैं भिंडियों को चेक कर लेती हूँ भिंडियाँ हमारी पकी हैं कि नहीं। भिंडी हमारी पक चुकी हैं। अब हम इनको खुला ही ऐसे ही भूनेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने भिंडियों को 5 मिनट के लिए भून लिया है और सब्जी हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप लोगों को कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताना और मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी बनी थी भिंडी ये।